ना अब मजीद इन ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। फिलवक्त मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ, इनको सिलेक्ट करके इनको मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ और एक न्यू लेयर सिलेक्ट करके उस पर काम कर रहा हूँ। काम मुझे ये करना है बेसिकली कि सीढ़ियों के स्टेप्स बनाने, लैडर, सीढ़ियां आपने देखी होगी, स्टेप्स बनते हैं उसके, वो स्टेप्स मुझे बनाने हैं। अगर मैं सिलेक्शन के टूल की मदद से सीढ़ी का एक स्टेप बनाता हूँ और यहां पर मैं दूसरे स्टेप को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो पहले वाला स्टेप जो है वो चला जाता है। ठीक है, यानी एक वक्त के अंदर सिर्फ एक हिस्से का की लेयर बन रही है, या आप ये समझे कि एक ही स्टेप जो है वो क्रिएट हो सकता है, मजीद स्टेप इसमें नहीं बन पा रहे। तो इसके लिए हमें एड टू सिलेक्शन का एक टूल यूज करना होगा, यानी आप अपनी सिलेक्शन के अंदर मजीद चीज सिलेक्शन को ऐड करें। तो हम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं यहां से, और सेकेंड स्टेप में हमने लैडर के दूसरे स्टेप को ड्रॉ किया, देन थर्ड स्टेप में हमने लैडर के थर्ड स्टेप को ड्रॉ किया, और इस तरह से हम लैडर के चार स्टेप्स मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट करने के बाद अल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, डी सिलेक्शन, लैडर के स्टेप्स जो है वो हमने क्रिएट कर लिए। जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मिसाल के तौर पर मुझे इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, सॉरी रिड्यूस नहीं, एनहेंस करना है, तो मैं इसके कॉर्नर्स को अपनी मर्जी से एनहेंस कर सकता हूं और उसमें कोई भी एक नया शेप ड्रॉ कर सकता हूं। और अगर मुझे इसके कॉर्नर्स को रिड्यूस करना है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी में जाकर चेंजिंग करते हैं, सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन प्रॉपर्टी चूज करते हैं, और अब आप देखें कि इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं वो बेसिकली रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और हम इसमें कलर फिल कर देते हैं, जैसे एम्बुलेंस का साइन प्लस बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो प्लस आप यहां से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास, वो एक्चुअल में सिर्फ उतनी ही सिलेक्शन रखेगा जितना आपको चाहिए। लाइक मुझे इस रेक्टेंगल में से सिर्फ स्क्वायर की सिलेक्शन चाहिए, मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, तो आप देखें सिर्फ स्क्वायर की रेंज बची, बाकी रेंज खत्म हो गई, तो वो डिलीट कर देगा बाकी अनवांटेड रेंज को। इसी तरह से अगर मैं सर्कल के साथ काम करता हूं, एलिप्स टूल, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अगर मुझे इसको मून का शेप देना है, तो मैं इसको सब्स्ट्रैक्ट करूंगा, अनवांटेड रेंज को मैं यहां से खत्म कर दूंगा। आप देखें ये मून का शेप जो है वो बेसिकली बन के मेरे पास आ गया। सॉरी, और अगर मुझे बबल्स बनानी है, तो हम लोग फर्स्ट सिलेक्शन के टूल से स्टार्ट करते हैं, और इसी के अंदर मजीद सिलेक्शंस ऐड करनी है, तो हम लोग मजीद सिलेक्शंस इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह के सिंबल्स आपने आम तौर पे कार्टून के साथ देखे होंगे, कार्टून कैरेक्टर्स जस्ट लाइक कुछ बोल रहे हैं, अक्सर मैगजीन्स के अंदर और न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है वो इस तरह के सिंबल्स जो है वो बने हुए होते हैं। तो बेसिकली इन चारों टूल्स, सॉरी, इन दोनों टूल्स की चार चार प्रॉपर्टीज हैं, जिनको यूज करते हुए आप ऑब्जेक्ट के अंदर मजीद चेंजिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें दो और नॉर्मल टूल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। लाइक अगर आपने सिंपल एक रॉ, एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो रॉ की शेप में हो, तो आप सेलेक्ट करके जस्ट पेज पर क्लिक करें, एक लाइन वो ड्रॉ कर देगा। अगर इस लाइन की थिकनेस वगैरह को चेंज नहीं करना, अल्ट बैक स्पेस करें, कलर फिल करें, कंट्रोल डी, डी सिलेक्शन, मूव का टूल लिया, आप देखें बिल्कुल हल्की सी लाइन बन गई है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि इस लाइन की थिकनेस को मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं, थिक कर दूं, तो हम एडिट के अंदर जाते हैं और स्टोक की कमांड को चूज करते हैं। स्टोक की कमांड के अंदर हमें लाइन की थिकनेस पूछता है, लाइक मैंने लाइन की थिकनेस इसको 4 विड्थ इसकी डिफाइन की, और इसकी लाइन का कलर अपनी मर्जी से जो चाहे वो डिफाइन किया, ओके किया, ओके किया, ये लाइन देखें ड्रॉ हो गई जिसके अंदर कलर भी है। कंट्रोल डी करने से लाइन डी सेलेक्ट हो गई, इस लाइन को मैं बेहतर विजिबल तरीके से देख सकता हूं। इसी तरह से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अब बेसिकली कॉलम के लिए रिप्रेजेंट होगी। लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल इसी तरह से एडिट में जाते हैं, स्टोक, मैं लाइन की थिकनेसेस को मजीद बढ़ा रहा हूं, इसकी विड्थ को मैं 8 तक ले जा रहा हूं, इसके कलर को मैं रेड कर रहा हूं, ओके ओके, लाइन ड्रॉ हो गई। कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट,
आप देखें ये लाइन को भी मैं मूव कर सकता हूँ।